तब से ब्लाउं करता हुँ, हुँ, हुँ. जब तक आपके पास अपना एक सिस्टम नहीं होता ना सेट ऑफ वैल्यूज नहीं होता हुँ, हुँ. जिसको आप सिस्टम की सूरत देते right, हैं right. जब तक लोग आपको बुली भी करते हैं बॉस अराउंड भी करते हैं ऑर्डर अराउंड भी हुँ, हुँ, करते हैं हुँ, हुँ, हुँ. जिस दिन आप अपनी थिंकिंग डेवलप करके एक अपना सिस्टम इन प्लेस कर लेते हैं एकदम आप लिबरेटेड हो जाते हैं सो डिसिप्लिन ब्रिंग्स यू द ठीक है जब आप अपनी जात के ऊपर एक सिस्टम को लागू कर देते हैं ना मैं ऐसे उठूंगा मैं ऐसे बैठूंगा मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा और उसके लिए आपको किसी का इन्फ्लुएंस आप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं वेरी मोमेंट यू गेट लिबरेटेड तो आपको जो है ना डिसिप्लिन लिबर्टी देता ठीक है ना तो अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा है सारे के अंदर किसी को समझ नहीं आ रही आपको समझ आ रही है आप ही समझ आइए आप ही अपने एक सिस्टम इरेक्ट कर ले hmm. यहाँ पे सारे पागल बस रहे हैं इस घर में ठीक hmm. hmm. है hmm. जो हर वक्त चीखम धाड़ करते रहते हैं कोई किसी की नहीं सुनता आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं हर एक नेगेटिव है yeah. और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है सब इस ऑल नेगेटिविटी इनके यास में एक काम करें आपका दिमाग चल रहा है यू वॉन्ट द थिंग्स टू बी ऑन देयर राइट प्लेस यू वॉन्ट एवरी थिंग इन अ नाइस वे ऐसा कर एक छोटा सा सिस्टम आप फॉर्म कर लें और यू स्टार्ट लिविंग बाय दैट और अबाइडिंग बाय दैट सिस्टम आप देखिएगा विद इन टू डेज एवरी वन विल नोटिस सिस्टम है और दे विल यून दे रिस्पेक्टिंग देर सिस्टमेंट देयर अबाउट यू दे रिस्पेक्ट यू यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन दैमिली दे रियली वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड वेन यू दे सी अट ऑफ सक्सेस रे ऑफ होप आपने जो अपने सिस्टम में बना दिया दे दे रन इट इट रश वेरी वेरी नाइस नाइस एक uh, सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है आंटी के क्लैश बहुत चल रही हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन मैरिज को भी इंटैक्ट रखना है तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि खातान अपने आप को कहीं बिजी कर लें कुछ जैसे मैनी ऑफ आर ब्रोकन टू बी ऑनिस्ट हाउ कैन वी हील हाउ कैन वी स्ट्रेंथन और सेल्फ क्या कोई रूटीन ऐसी बनानी पड़ेगी तोज्जो कहीं और करनी पड़ेगी इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप वुमेन को एडवाइस करें कि हाउ टू स्ट्रेंथन सेल्फ चूंकि आपने इसको वुमेन की तरफ ले आए हैं तो चलिए हम इसी में बात कर लेते हैं ख़वान का एक बहुत बड़ा मसला है वो अपनी हैप्पीनेस के लिए मर्दों पे डिपेंड करती हैं ठीक है और जो है ना ये खुवातन की जो लैक ऑफ थिंकिंग है ना उनकी सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी है ठीक hmm. है उनको लगता है कि शायद कोई हमारे मसले हल कर लेगा सही। आपको मैं बताऊँ कोई शख्स किसी डिपेंडेंट किसी डिसेबल मेंटली hmm. हो, hmm. hmm. हो या फिजिकली हो या इमोशनली हो वो उसे चिड़ तो सकता है वो उसका कर कुछ नहीं सकता नो मैटर हाउ मच यू लव हर ट्रू ट्रू ठीक है hmm. आपको अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए hmm. और हैप्पीनेस की जिम्मेदारी कैसे होती है स्टार्ट फीलिंग एज इंडिविजुअल मर्दों के इस बात के ऊपर नहीं जाएं कि यू आर पार्ट ऑफ मी नो नो यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ हिम यू आर एन इंडिविजुअल अल्लाह ट्रीज यू एज इंडिविजुअल आपकी अपनी थिंकिंग है आपकी अपनी पसंद नापसंद है इसी की वजह से तो आपको पसंद करके घर में लाया गया था ना hmm. आपकी इंडिविजुअलिटी hmm. की वजह से जस्ट okay. इसको अप, अपनी बहाल रखिए अच्छा दूसरी बात यह है अपने आप पर फोकस करें सारा हम औरतों का दारो मदारो तो मर्दों को सही करना है मर्दों को सही करना है <laughs> जी जा, बैठ जाइए हमारी महफिलों में मेरा शोहर ये करता है मेरा शोहर ये करता है वगैरह वगैरह लंबी कहानी के बाद और हम एक दूसरे की सहेलियों और बहनों से एक ही तरीका पूछ रही होती हैं कि कैसे प्रेशराइज करना होता है कि तावीज़ों तक पे चली जाते है <laughs> आप एक काम कीजिए उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ के अपने आप को पहले सही कर दें जिस दिन आप कहेंगे कि नहीं मैं अब पास हो गई हूँ ठीक है ना उस दिन फिर उनप वर्किंग शुरू कर दीजिएगा तो मैं आपको बताऊं जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं इस पर पास हो जाए उसी के अंदर हसबेंड को भी नजर आने लग जाता है कि नहीं नहीं सही। मैंने आपको बताया ना उसने अपना सिस्टम खुद बना लिया हस्बैंड भी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाता है रिस्पेक्ट किस बात true. में होती है आपके इंडिपेंडेंट होने में होती है आपके इंडिविजुअल होने में होती है आपकी आपकी गुड एंड सॉलिड थिंकिंग के बारे में होती है और आपकी सिंसैरिटी के बारे में की वजह से होती है आपने वो अगर ख़ूबियाँ नहीं पैदा करेंगे मैं आपको बताऊँ इंसान ये तावीज़ों के साथ भी पागल हो सकता हुँ, हुँ, है बंदा तावीज़ों के साथ भी बंदे बदलते नहीं होते हैं बंदे इंसान वैसे ही रहते हैं तो इसी को वाइस वर्षा करें तो मैं ये कहूंगी कि मर्दों के लिए भी यही बात है कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन बींग ऑनेस्ट ऑन ऑन ठीक है और आप एकदम जैसे ही आप अपने आप को देखना शुरू कर देंगे लेने के बजाय देने की पोजीशन में आएंगे आप देखिएगा आपके घर की एक दम एन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी और मैंने तो नोट किया है ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऐसा होता है हमारे घर में भी बहुत दफा चीजें गलत गई होती हैं तो फिर एक वक्त आता है जिसमें हम अपने आप को संभालते हैं और एकदम मैंने देखा हमारी प्रोवर्ब्स हमारा बोलने का स्टाइल बदलने लग जाता जी, है वी स्टार्ट लव केयर ब्राइटनेस रेडियंस और ये जो रेडियंस है ना आपको मैं अजीब बात बताऊं अल्लाह ने मर्दों के दिल के अंदर जो एक बड़ी खूबी रखी है मर्दों के दिल बहुत बड़े होते हैं दे लव टू सी देर वाइव्स हैप्पी और हकीकत ये है कि बीविया खुश ना ना हो तो मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है दे आर काइंड ऑफ के आई एम फेलिंग True, true, I'm true, true. वो अलग बात है कि वो उस पर रिएक्ट कैसा करते हैं जी। तो मैं ये समझती हूँ कि जो औरत खुश रह लेती है ना अपनी के अंदर, I will call it, वो औरत अपने शोहर पे सबसे ज्यादा होने के में वगैरह yeah, वगैरह। लेकिन आपके नज़दीक कुछ सहाबिया जिसको आप समझती हैं कि आजकल पढ़ना चाहिए खुतिन को बहुत ज्यादा आ, अभी यूथ क्लब के सा, साथ ही हमने मिल कोर्स किया था एक हमने साइकिल था हमारा उसमें हमने टेन वंडर वेमेन के बारे में पढ़ा अच्छा, था टेन वंडर वेमेन बेसिकली हमारा फोकस था दी लेडीज ऑफ कुरान ओके, हमने ओके। वहाँ से लेडीज ली और हमने दस जो है ना ख़वात थी आ, उनको हमने पढ़ा अच्छा उसके अंदर हमें एक बात हर एक में कॉमन नजर आई थी हर एक जो थी ना इंडिविजुअली बहुत रिस्पेक्टफुल थी hmm. और उसकी थिंकिंग फ्री थी कैन यू नेम इंडिविजुअल्स? इसके लिए मैं बहुत इन आइडलाइज़ करती हूँ hmm. सैद उम्म कल्सूम बिन अखवा को ठीक है। और ये जो है आ, ये पहली वो खातून थी कि ये आई अल्लाह के रसूल के पास और sure. इन्होंने आके कहा कि मेरा तो तोबा उसके खानदान की ये थी इस, इनके पीछे तो वो भेड़ियों की तरह लगे हुए थे ना hmm. तो के के रसूल, आप मुझे वापस कर देंगे hmm. क्योंकि हुदैबिया हो चुकी थी तो अल्लाह के रसूल को समझ ही नहीं आ रही थी कि करें क्या लेकिन एक औरत अपना सारा कुछ छोड़ के ईमान की खातिर वहाँ पर आ गई अल्लाह के रसूल को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि माहिदा हो चुका था और उनके जो पिछले हैं वो सारे भागे आ रहे थे लाइए जी लाइए जी वापस कीजिए तो अल्लाह ने आयात नाजिल कर दी कि फ़म तहनुन ला न खिल वला वन के काबिल ही नहीं है हुँ, हुँ, और हुँ, ये है कि इनका इम्तहान बस कर लीजिए अगर ये अपने ईमान में ठीक है और तो क्या है कि इनको वापस नहीं करना बिल्कुल सही तो इतनी सैयदा हकीम है फिर हम देखने सैयदा खदीजा है सैयदा आसिया जी इन दिलेडी आसिया आप इन सब खात के अंदर मैं एक ही चीज देखती हूँ ये अपने फैसले खुद करती थी और इन्होंने अपने फैसले करके अपने इर्द गिर्द के इंसानों को बेनिफिट किया और आज भी देखिए कि दे आर बर्निंग अच्छा, तो क्योंकि हमारा दिन तो हमें सिखाता ही ये है जी. एक जो है आ, किताब है अब तो वो किताब की शक्ल में आ गई है बेसिकली इट वॉज स्टार्ट एज अटर्डर्ड वाइफ इसके नाम से एक मूवमेंट लॉरा डॉयल मेरा ख़्याल है okay. इसकी वो थी एक जमाने तक मैं बड़ी इसकी एक्टिव आ, मेंबर रही लेर ऑन ऑन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत इतनी पड़ी नहीं तो आई गॉट ऑल बिट अवे फ्रॉम देम अब इस पर किताब भी आ चुकी है जबरदस्त किताब है क्या नाम बताया आ, वाइफ। हुँ, हुँ. और अच्छा उस किताब में बड़ी जबरदस्त बात है जो मैंने अभी ये बात कही थी ना कि हम बजाय हस्बैंड्स को सही करने के ना अगर हम अपने आप को सही करने पे आ जाए ना हुँ. और हम खुद अपने आप को वैल्यू करने पे आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हुँ. हम अपने आप को वैल्यू करेंगे आप देखिएगा ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली जिनसे मुझे तो मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, है वो एकदम हो जाएगा आ, और जैसे ही का कॉन्फिडेंस आपको आता है ना तो यू स्टार्ट एक्टिंग टोटली डिफरेंटली बिल्कुल बिल्कुल टोटली डिफरेंटली फिर आप एकदम यहां से उठ के वहां पे चले जाओ सही बात और देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड यू स्टार्ट बीइंग प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंड्स और ये फिर सरेंडर्ड अस, वाइफ में भी वो यही बताती है उसके छः असूल हैं mm -hmm. ठीक है और वो यही कहती कहती है अपने पे मेहनत करो अपना फैमिली सर्कल अपना फ्रेंड सर्कल रखो अपने हस्बैंड को डायरेक्टली कहो बजाय मिन मनाने के और जो है ना नेगेटिव वे में उसको ये कहने के मुझे तुमने तुम तो कभी बात ही नहीं सुनते कि तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है वगैरह वगैरह इसके बजाय उसको डायरेक्टली बताओ कि डू दिस प्लीज़ फॉर मी ही विल हैप्पी टू डू दैट और बड़ी उसकी जबरदस्त वो है hmm. और फिर कहती है कि वो अपनी की तरफ करें। अपने, अपनी जो है ना अपनी टाइम एक फीलारी किया होता है hmm. ना में से जिन औरतों ने घर बनाए होते हैं हम कहते हैं यू आर नॉट दैट बिचारी hmm. Hmm. तो आप जितनी क्वालिफाइड है जो आपकी पसंदीद डिसलाइक्स हैं आपकी जो हॉबीज टाइम टू यू नो योर कैपेसिटी फील So wonderful Excellent. Uh, Excellent. being you. Bilkul, bilkul. Being you, right?